हेलो गाइस, वेलकम टू स्वीट व्लॉग। आज का व्लॉग होने वाला है काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार, क्योंकि आज हम लोग शाजंगी मेला मैदान में आए हैं। भागलपुर का सबसे बड़ा मेला लगता है यहाँ पे मुहर्रम के टाइम पे। और बहुत बहुत शुक्रिया इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए मेरे पूरे मुहर्रम के व्लॉग में, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये वाला वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है, आप लोग कंटिन्यू वीडियो में रहना, वीडियो को स्किप मत करना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो जरूर करना, यहाँ पर मेरा इंस्टा हैंडल आता होगा। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं व्लॉग में। तो गाइज ये है जमजम होटल का काफी जबरदस्त हलवा और पराठा। इसका नाम क्या है पहले वो बताइए। फ्रूट आइसक्रीम। तो हम लोग चलते हुए जा रहे थे तो हमें दिखा फ्रूट आइसक्रीम, पता नहीं इसका नाम कुछ और है, बट ये भी कुछ गलत ही बता रहे हैं। जो भी है देखने में अच्छा लग रहा है, एक बार खा के ट्राई करते हैं। ओके बनाइए ज़रा। बता रहे थे फ्रूट आइसक्रीम है वो, तो उसका नाम कुछ और है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में लिख देना। और वैसे यहाँ पर एक स्मोक का काफ़ी अच्छा लग रहा था, उसको कुछ मिक्स करके दिया जा रहा था, उससे स्मोक क्रिएट होता है, इस टाइप का कुछ मेजर था वो। कोई ना, चलते हैं अब देखते हैं मेले में और क्या क्या चीज़ें, आपको भी दिखाते हैं सबसे सस्ता क्या क्या चीज़ें यहाँ पर, उस चीज़ के बारे में आपको बताते हैं। ओके भैया ने मुझे बताया कि किचन के जितने भी सारे सामान हैं वो उनके पास मैक्सिमम से मैक्सिमम 500 और देन मिनिमम 200 के रहते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कितने ज़्यादा प्रोडक्ट है यहाँ पे। झूला बहुत सारा लगा था, बट मुझे पता नहीं डर क्यों लगता है झूला पे झूलने में। वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ था, इसलिए कि हम ज़्यादा कुछ वहाँ पर बोल नहीं पाए, यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा नॉइज़ था। खत्म हो जाए के बाद सामने में उधर जो है वो ब्रेक डांस है, लाइट वगैरह बहुत सारी चीज़ों को ऑफ कर दिया है। और इस साइड से पूरा एक लाइन से पानी पूरी फुचका वगैरह का दुकान है, देख सकते हैं लंबी लाइन है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा फ्रेम का सेटअप बना हुआ था जहाँ पर फोटोग्राफ्स वगैरह ले सकते हैं, और ये लोग कुछ चार्ज कर रहे थे 30 रुपी पर फोटोज़ करके चार्ज कर रहे थे। यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस था ये। चलिए आगे। फाइबर क्वालिटी में काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिल रहे थे। भैया से मैंने जब प्राइस के बारे में पूछा तो भैया ने मुझे बोला कि पर पीस का 30 रुपीज़ है, काफ़ी अच्छा प्राइस था ये, पॉकेट फ्रेंडली। जल्दी वहाँ से हटो। यहाँ पे काफ़ी अच्छे टॉयज़ वगैरह मिल रहे थे किड्स के लिए, जो कि अंडर 200 रुपीज़ थे। और प्रोडक्ट्स बहुत सारे यहाँ पे हैं और काफ़ी ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली बजट में आ रहे थे। नेक्स्ट टाइम आप भी कभी अगर मेला वगैरह ट्राई करना तो ये सारी चीज़ें ज़रूर पूछना, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे आपको प्रोडक्ट्स यहाँ के। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या कर रहे हैं आप इस वाले कॉर्नर में, क्या कर रहे हैं आप? देख रहे थे या किसी के लिए ले रहे थे? पक्की बात है, पकड़ा गए आप इस कॉर्नर में। हम लोग तो चलो ठीक है, हम लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं, बट आप क्या कर रहे हैं? आप जो समझ लीजिए आप। चलिए बहुत शुक्रिया, मिले तो काफ़ी अच्छा लगा। चलिए देखते हैं और क्या चीज़ है। We'll be right back.
परेशान होंगे इतनी सारी देख करके चीजें, जबकि लेना मुझे एक भी नहीं है। किसके लिए लेंगे? कोई ना, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे ये सारी चीजें। आप लोग देखो भैया, ये जो इसे पर क्या प्राइस है? मिनिमम या पूरा फिक्स प्राइस? एक ही रेट का चार्ज सारा एक से, मतलब जो भी लो यहाँ पर, मतलब जितना सा भी दिख रहा है आपको, उसमें आपको 40 रुपये लगेगा। मतलब ये काफ़ी क्या बोलते हैं, पॉकेट फ्रेंडली चीज़ है। फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं जब सारी तरफ घूम करके इस साइड पे जब आया ना, तो मुझे एक नेकलेस दिखा जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। जब मैंने भैया से उस नेकलेस का प्राइस पूछा ना, मेरा दिमाग घूम गया उस टाइम पे। लिटरली इस नेकलेस का मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 300 रुपीज़ होगा। यहाँ पे मतलब जितनी भी ज़्यादा चीज़ें, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एकदम बहुत ज़्यादा सस्ती सस्ती थी। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा ये पूरे मेला का कॉर्नर था, एयरिंग्स कॉर्नर। इस साइड पे 100 रुपीज़, इस साइड पे 50 रुपीज़, मतलब बजट में भी है और प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा कूल सब थे। देख सकते हो आप प्रोडक्ट। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो सामान बिक रहा है ना, वो मतलब गर्ल्स का ज़्यादातर, मतलब जितना भी एयरिंग्स वगैरह हैं, जो भी इनके कॉस्मेटिक्स के सामान हैं, वो सबसे ज़्यादा सेल हो रहे हैं यहाँ पर। वैसे मेला का और भी बहुत सारा चीज़ था, बट कुछ कुछ चीज़ें बंद हो गई है। और हम क्या करते हैं ना, हम मतलब ज़्यादा रश में नहीं आते, मतलब जो मेन मेला था वो थोड़ा सा हम रुक के जाते हैं उसमें, क्योंकि रश में मेरे को पसंद नहीं होता। बहुत सारे लोग रहते हैं, कई सारे लोग पहचान जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा रुक रुक के जाते हैं हम। ओके, बाकी और भी चीज़ें हैं यहाँ पर, देखते हैं क्या क्या चीज़ और है। ओके, आपको भी दिखाते हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कई सारी चीज़ जो किचन वगैरह में यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पर बच्चा है एक, उससे मैं पूछता हूँ ज़रा, देखते हैं क्या क्या चीज़ें, मतलब वो उस ऑनर का बेटा है। ओके, यहाँ पर ये सामान सब जो वगैरह है, पापा का है आपके ना? ओके, तो ये वगैरह इस सब का प्राइस आपको पता है क्या? और ये कितने का आता है? ये वाला तवा जो है 220 का है तवा। ओके, क्या बाबा? और वो चम्मच वगैरह कितने का है? 60-70 रुपए का। बहुत प्यारा सा बच्चा है कि ये, मैं इससे ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह नहीं करूँगा। आपको अगर अच्छा लगेगा चीज़ यहाँ पर, तो आप एक बार विज़िट करें, और काफ़ी सारे चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, मिलते हैं, देखते हैं आगे क्या है ब्लॉग में। बचपन में एक चीज़ खाते थे, इसका नाम मुझे अमूट कहा गया था, और पता नहीं अभी कन्फर्म करेंगे इसका नाम क्या है और क्या क्या किस हिसाब से क्या प्राइस है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। भैया भैया, इसका नाम क्या है ये वाले चीज़ का? अमोट, मतलब हम सही थे, इसका नाम अमोट ही है। क्या प्राइस का भाई? 20 रुपये का। चलिए ले लेते हैं कुछ। यहाँ पर पूरा एक लाइन से झमझम होटल का बहुत ज़्यादा भीड़ लगता है, मतलब एक लाइन से कंप्लीट लगा रहता है, देख सकते हैं मेरे पीछे।
एक आपने शुरू में देखा होगा, अरे कभी ये है, इसके बाद एक और है। कंटिन्यू मतलब शाजंगी में मेला मैदान में सबसे ज़्यादा मतलब रौनक टाइप का होता है ना, वो यही लोग लगाते हैं। मतलब बहुत खूबसूरत लगता है, ये होटल रहता है बट काफ़ी अच्छा खूबसूरत रहता है। ओके दिखाते हैं, यहाँ पे भी है खालिद भाई का, ये देखो। हेलो बड़ी, व्हाट्सअप, बहुत दिन के बाद एहसान मिला, बहुत दिन के बाद। अभी ये बाहर शिफ्ट हुआ हुआ है और अभी ये मुझे दिखा मेरा फ्रेंड, काफ़ी दिन के बाद। ब्लॉग कंटिन्यू ही चल रहा है, कंटिन्यू वही ब्लॉग के ही लेके हम चल रहे हैं अभी, देखते हैं हम लोग ब्लॉग में। अरे है, अरे है, अच्छा हो रहा नहीं हो रहा, मैच वाला देखा था क्या? मैच वाला, अरे है, मैच वाला भी देख रहे थे ब्लॉग। अच्छा ये यहाँ पर नहीं थे इसलिए ब्लॉग, मतलब ये लोग भी हमारे मेरे फ्रेंड होकर के भी मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग भी सपोर्ट करो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करो। जब तक मैं फ्रेंड से मिलता हूँ उसके बाद फिर आगे का देखते हैं ब्लॉग। मेला से बाहर तो आ गए हैं बट सामने मुझे दिख रहा है अल हबीब का कॉर्नर, स्मोक हाउस। अल हबीब में हम अभी आए तो थे कॉफ़ी पीने के लिए, क्योंकि पहले भी हम यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह लिए हैं तो काफ़ी अच्छा टेस्टी कॉफ़ी रहता है। बट अफसोस की बात यह है कि अभी कॉफ़ी हो चुका है ख़त्म, मेले के रश के कारण कंटिन्यू यहाँ पर कस्टमर्स वगैरह आ रहे थे तो उसके लेकर के हो गया कॉफ़ी फिनिश। तो नेक्स्ट टाइम अब हम कॉफ़ी आपको दिखाएंगे यहाँ का कैसा है और कितना ज़्यादा अच्छा है। ओके अब हम चलते हैं घर की तरफ, तो यहाँ पर वीडियो करते हैं कंप्लीट। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो यहाँ पर मेरा इंस्टा हैंडल आता होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर फॉलो ज़रूर करना। ओके हम मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।